मेरा मालेगांव शहरवासियों से अपील है, डिमांड है, गुजारिश के मालेगांव शहर के अंदर सरदार चौक, जामिया मस्जिद का चौक, वो जो चौक है वहाँ पर शहर भर के हमारे भाई लोग जानवर जो पालते हैं, वो जानवर रात में वहाँ पर वो चौक में खड़े रहते, सरदार चौक में, जामिया मस्जिद चौक में, तो वो जानवर के मालिकों से, मालकान से मेरी गुजारिश है कि अभी तीसरा आखिरी अरसा रमज़ान मुबारक शरीफ का चालू है और यहाँ से अभी 14 अप्रैल भी कल है और 14 अप्रैल की गिरायकी, रमज़ान शरीफ की गिरायकी मालेगांव शहर की माँ और बहनें, बुज़ुर्ग हजरात और हमारे हम वतन भाई सभी लोग अभी जो है ख़रीदी के लिए किदवई रोड पर, मोहम्मद अली रोड पर, अंजुमन चौक में, खुद सरदार चौक पे, सरदार मार्केट में सभी जो को ख़रीदी के लिए आएंगे। तो जानवर के मालकान से मेरी ऐसी गुजारिश या अपील है कि आप लोग जो है कम से कम 10 दिन अपने अपने जानवर अपने अपने द्वारे बांध कर रखें, उनको छोड़े ना, ताकि क्या होता है रात में जब जानवर वापसी करते हैं उनके उनके ठिकाने पर जाने की, तो वो वापसी में जब जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आज से कल से किदवई रोड पे, मोहम्मद अली रोड पे, अंजुमन चौक में, सरदार मार्केट में गर्दी की, मतलब जो है सूरत हो जा रही है और गर्दी हो रही है, तो गर्दी के अंदर अगर वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं जानवर, अपने अपने ठिकाने में जा रहे हैं, तो पब्लिक को देख के अगर भड़क गए और हमारी माँ और बहनों को मार दिए, बुज़ुर्गों को मार दिए, हमला भाई को मार दिए, हम वतन भाई को मार दिए, तो बहुत बड़ा मसला है कश्मीर हो जाएगा। तो मेरी आपके YouTube चैनल के माध्यम से जानवर मालकान से गुजारिश या अपील है कि आप लोग कम से कम 10 दिन जानवर अपने अपने द्वारे भाने, जानवर ऐसे ना छोड़े। हमारे अपने मालेगांव शहर के कमिश्नर भालचंद गोसावी सर से मेरी अपील है कि मालेगांव शहर का आज धड़कता हुआ दिल, मालेगांव शहर का सबसे बड़ा रोड किदवई रोड है, मोहम्मद अली रोड है, सरदार मार्केट है। आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं गोसावी सर से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सफाई मुहिम कर्मचारी को ये आदेश दे कि किदवई रोड, मोहम्मद अली रोड, सरदार चौक सफाई मुहिम डेली करे। अभी फिलहाल हो ये रहा है कि 2 दिन के गैप के अंदर सफाई मुहिम की गाड़ी किदवई रोड पर, मोहम्मद अली रोड पर, सरदार मार्केट में और भी मार्केटों में 2 दिन के गैप से आ रहे हैं, खासतौर से किदवई रोड पे तो 2 दिन से आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है हमारे 14 अप्रैल की गिराकी, हमारे रमज़ान शरीफ की गिराकी और दोनों पब्लिक एक साथ जो हो जा रही, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्दी हो जा रही, उसमें दुकानदारों का पुट्टा पन्नी कचरा, कस्टमरों का जो है घान कचरा, उसमें कचरों का अंबार की शक्ल बन जा रही। तो मेरी गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप सफाई मुहिम के लोगों को आदेश दे के किदवई रोड पर इस साइड का पट्टा और इस साइड का पट्टा डेली क्लीन चार्ट करें, डेली जो है सफाई मुहिम की गाड़ी आए, ऐसी मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं मालेगांव शहर एडिशनल SP श्री अंकित भारती सर से और हमारे एडिशनल SP संधु साहब से, DYSP, मैं गुजारिश करता हूँ एडिशनल SP साहब से, संधु साहब से, कि मालेगांव शहर का किदवई रोड, आज किदवई रोड पर ऐसी परिस्थिति है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का तीसरा आसरा, आखिरी मरहला रमज़ान शरीफ का चालू है और हमारे भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है कल, तो आज ही से किदवई रोड पर कली से बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। किदवई रोड पर रमज़ान शरीफ के मोमेडियन गिराए हम वतन भाई, 14 अप्रैल के कस्टमर, ये एक साथ आने की वजह से किदवई रोड का निज़ाम ट्रॉफिक का, गर्दी का बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो मैं शहर पॉलिटिशियन एडिशनल SP साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप
हमारे पेरी चौक पर पैंट पुलिस का इंतजाम कीजिए, और लेडीज पुलिस थाने अमलदार का इंतजाम कीजिए, ताकि शहीदों की यादगार से लेके पेरी चौक तक आपके पुलिस महात्मा लोग जो है किदवे रोड पर अप डाउन करें, ताकि पुलिस महात्मा को देख करके चोरी डकेरी छेड़छाड़ धक्का मुक्की ट्रैफिक का निज़ाम खराब ना हो। इस वजह से मालेगांव शहर में किदवे रोड पर कोई भी वारदात ना हो। और होता ये है कि भीड़ हो जाने की वजह से वो सोचता है कि टू व्हीलर पहले मैं निकाल लूँ, ये सोचता थ्री व्हीलर टू रिक्शा मैं निकाल लूँ, उसके वजह से भांज हो जाती, झगड़ा हो जाता। दूसरा, गर्दी गुब्बाड़ के वजह से हमारी पर्दा नशीर माँ और बहनों को धक्का बुक्का लगने की वजह से छेड़छाड़ का अंदेशा हो जाता, उसकी वजह से झगड़ा हो जाता। तीसरा, किदवे रोड पर जो है पॉकेट मार चोर, मोबाइल चोर और दुकानदार की जो है दुकान वगैरह लूटने की चोर लोग, दुकानदारी के लोगों को लूटने वाले के लिए चोर वो सब बंदोबस्त से आते, तो ये सब दुर्घटना ना होए। इसलिए मैं एडिशनल एसपी भारती सर से और हमारे डीवाईएसपी सर से आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे डिमांड करता हूँ कि किदवे रोड पर आप पैंट पुलिस दे, लेडीज पुलिस दे, थाने अमलदार दे, ताकि वो किदवे रोड पर अप डाउन करके किदवे रोड की आवाम को, मालेगांव की शहर की आवाम को ये सब गुंडे लोगों से इत्मीनान रखे और आप लोग ध्यान देवे। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं मालेगांव शहर की आवाम को, हमारे हम वतन भाई हिंदू भाइयों से और हमारे मुसलमान भाइयों से और महाराष्ट्र के सभी शहरों से मालेगांव शहर पे खरीदी आने वालों की माँ और बहनें भाइयों से बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग खरीदी पे जब रोड पर आए, दुकान पर आए, मार्केट में आए, तो अपना मोबाइल का जो है सही ध्यान दे, और टू व्हीलर थ्री व्हीलर पे सही ध्यान दे, अपने पैसे पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे, चोरी डकेरी ना होए, आप लोगों का नुकसान ना होए। इसलिए जो है आप लोगों को बहुत हिकमत के साथ मोबाइल पे, पैसों पे, बच्चों पे, थ्री व्हीलर गाड़ी पे ध्यान देना है। अस्सलाम वालेकुम।